आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन केमिकल स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली थी। हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है इन स्टॉक्स में और चार्ट के माध्यम से तीनों का डिस्कशन करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, हम एचएससीएल से चर्चा शुरू करते हैं। तो उस पे वॉल स्ट्रीट पे एक आर्टिकल निकला था कि इट कुड बी स्ट्रगलिंग टू एलोकेट कैपिटल। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, उसका इन्होंने क्या, क्योंकि इसका आरओसी केवल 5.3% है और जबकि केमिकल इंडस्ट्री का एवरेज 17% है। तो इससे साफ क्लियर हो जाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज कंसिडर मत करिएगा। और दोस्तों, एक आर्टिकल निकला था जिसमें कि परफॉर्मेंस केमिकल्स की जो मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड काफी अच्छी चल रही है और उसका फायदा हो सकता है थोड़ा सा आपको एचएससीएल को भी मिले, क्योंकि वो भी थोड़ा सा इस टाइप के केमिकल्स में डील करती है। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों, तो 84 का हाई बनाने के बाद स्टॉक अब 59.6 के पास चल रहा है, काफी ज्यादा गिर चुका है। और अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टॉक यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ये पहले दो तीन बार रेजिस्टेंस की तरह, फिर सपोर्ट, एक दो फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें 54 रुपीज का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर मैं टारगेट्स की बात करूं दोस्तों, तो 68 आ रहा है और फिर 74 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर हम 84 के टारगेट्स तक जा सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक है इस स्टॉक में। थिरुमलाई की मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक में कल बहुत भयंकर तेजी थी, स्टॉक 16% तक भी एक टाइम हुआ था। आज लेकिन थोड़ा सा स्टॉक फिर डाउन भी हो गया। ओवरऑल आप देखेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पिछले कुछ टाइम से 200% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और 52 वीक हाई भी इसने बीच में टच किया था। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, अच्छी चीज है। चार्ट पे भी आइए, अब हम इस स्टॉक को थोड़ी देर में देखेंगे। अगर मैं इनके रिजल्ट्स की बात करूं, इनकी जो प्रॉफिट है वो 90 करोड़ की इन्होंने पोस्ट की थी, रेवेन्यू 585 करोड़ का। और अगर आप देखेंगे तो पिछले साल इन्होंने लॉस पोस्ट किया था, अब की बार प्रॉफिट, तो बहुत बढ़िया है। 75 करोड़ के लॉस से 90 करोड़ की प्रॉफिट, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। बट ओवरऑल आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर आप इनके रिजल्ट्स को इनके रिटर्न से कंपेयर करेंगे तो वहां पे ऊपर नीचे है, अर्निंग्स उतनी नहीं हो रही है जितना इनके शेयर भागे है, तो ये चीज थोड़ी सी मिसमैच हो रही है। चार्ट पे अगर मैं देखूं दोस्तों स्टॉक को, तो ये स्टॉक देखिए काफी ज्यादा आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए कल का दिन था, भयंकर इस स्टॉक भागा था। यहाँ पे देखिए 208 रुपए से इकट्ठा 245 पे भाग गया था, आज थोड़ी सी गिरावट आई थी। अब क्या करना है दोस्तों, इतने भागे हुए स्टॉक्स में आप यहाँ पे एक, ये देखिए ये एक अच्छा हमें सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, तो 220 के पास का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। और अगर फिर से स्टॉक में तेजी आई तो हमें 265 से 270 के पहले टारगेट और 320 के दूसरे टारगेट को आप एम करके चल सकते हैं। और कल देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम्स में इसमें ट्रेडिंग भी हुई थी, तो ये स्टॉक काफी वैसे हाई वॉल्यूम्स में बीच बीच में ट्रेडिंग देता रहता है। नोसिल की मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक को लेकर आपके ब्रोकर्स बहुत ज्यादा बुलिश है। HDFC सिक्योरिटीज ने 310 रुपए का टारगेट दिया है, शेर खान ने भी कहा है कि आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो इन्होंने कुछ स्टॉक सजेस्ट किए थे, उसमें स्टॉक्स को मैं आप एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स इन्होंने सजेस्ट किए। तो इन्होंने ये बताया है कि एग्री इनपुट कंपनी है, UPL का इन्होंने कहा है, सुमीटोमो का कहा है, कोरोमंडल का कहा है, नोसिल का कहा है। तो ये सारे स्टॉक्स को इन्होंने कंसिडर किया था केमिकल स्टॉक्स के लिए, वो सारे एग्री केमिकल थे, ये सारे स्टॉक्स है, आरती, अतुल, नोसिल। तो इनके नोसिल इन्होंने तो 348 रुपीज का टारगेट दिया है जब इसकी प्राइस 264 की प्राइस थी, तो काफी बुलिश है, फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों, एक्सिस सिक्योरिटीज ने 283 के टारगेट्स दिए थे कुछ टाइम पहले, जून 6 को। मेहुल कोठारी जी भी मारुति सुजुकी और इसमें नोसिल को लेके काफी ज्यादा बुलिश है, तो काफी सारे ब्रोकर्स 290 का टारगेट दिया था और 250 की स्टॉप लॉस के संग इन्होंने सजेस्ट किया था, तो स्टॉप लॉस तो इनका हिट हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों, ब्रोकर्स काफी ज्यादा इस स्टॉक को बुलिश कर रहे हैं। और इसमें ऐसा भी आर्टिकल निकला था कि बाय ऑन डिप स्टॉक है नोसिल, क्योंकि इनके रिजल्ट ठीक रहते हैं, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है। चार्ट पे अगर मैं देखूं दोस्तों, तो स्टॉक अगर मैं एकदम शॉर्ट टर्म में देखूं, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक एक अच्छा आपका यहाँ पे पैटर्न बना रहा है, हायर हाईज और हायर लोस का, जो कि एक अच्छी हमें निशानी देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से मैं जाऊं दोस्तों, तो स्टॉक का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो करीब 280 रुपीज के पास का निकल के आ रहा है और जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 230 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे,
और 280 के ऊपर ऊपर अगर इसमें ब्रेकआउट हुआ तो फिर हम 320 के टारगेट्स को एम करके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।